2016 में जब मैं नोएडा में था, मेरी शादी हुई थी, अक्टूबर में एक पिक्चर आई थी डोंट ब्रीद। तो शिविका और मम्मा जो हैं वो गए थे शॉपिंग करने के लिए घर की, और मैं और पापा ने 4D में ब्रीद देखी थी। 4D का मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो। तो मैंने और पापा ने डोंट ब्रीद देखी थी। उसका सेकंड पार्ट आ गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैंने वो देखा है। उस पिक्चर में भी ये वही जो करेक्टर है मेन, उसी को आगे कंटिन्यू किया, वहीं से स्टोरी उठा के आगे थोड़ी पुश की है, बट उसका कुछ रिलेशन नहीं है, करेक्टर सेम है। तो वही एक अंधा आदमी है जो कि इसमें बताया कि अपनी बेटी के साथ रहता है, उसकी बेटी जो है वो 12 साल की अराउंड है, बट क्योंकि वो 8 साल जो करंट टाइम, जो पुरानी टाइम लाइन थी 2016 में बताई थी, उसके 8 साल प्लस बताया, लड़की 12 साल की है, तो मुझे समझ सा नहीं आ रहा था क्या है। बट इवेंचुअली वी गेट टू नो कि वो जो लड़की है वो किसी घर में आग लग गई थी, वहाँ पर वो लड़की बच गई थी, तो ये उसको लेकर आ गया था और इसने एज अपनी बेटी उसको रेज किया था। अब हमें बड़े सारे करेक्टर्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं मारने के लिए, लड़की को लेके जाने के लिए, इसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, ये लोग कौन है और क्यों मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मेरे घर पे इसके डॉग शैडो को भी मार देते हैं। बट इवेंचुअली जब हमें धीरे धीरे स्टोरी पता लगती है, वो लड़की को उठा के ले भी जाती हैं इसके घर से, तो इस बूढ़े के घर से, तो वो वहाँ पर जाके हमें पता लगता है कि उसके असली पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, और उसकी मदर जो है वो ड्रग्स जो है वो कुक करती है, और उसका जो पूरा कार्टेल है वो 8-10 लोग हैं वो जो बेचते हैं ड्रग्स को। तो वो इसलिए उसको उठा के लेके गए हैं क्योंकि उसकी मदर जो है वो हार्ट पेशेंट हो गई है, उसके उसको दिल की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और वो चाह रहे हैं कि जो बेटी है उसका हार्ट जो है उसको लग जाए क्योंकि वो कंपेटेबिलिटी इशूज़ हैं। ऑल दो उनको हमेशा से पता होता है कि उनकी बेटी जिंदा है और कहाँ पर है, बट वो कभी ध्यान नहीं दे रहे होते, बट क्योंकि अब वो इतनी बीमार हो गई है मदर, और उनका बिजनेस जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इसलिए जो उसका हस्बैंड है वो और पूरे कार्टेल के लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हमने जाके इनको, इस लड़की को लेके आना है। तो बस फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे करके वो आदमी जो हमारा बूढ़ा आदमी है वो भी आ जाता है और वो सबको एक एक करके मार देता है लोगों को। वही टिपिकल एक्शन मूवी है, इसमें डेयर डेविल वाली जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि डेयर डेविल जो पिक्चर थी वो जो शो है मैट मैड्रिक का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वही वाली सारी थोड़ी फीलिंग है कि एक अंधा आदमी है बट वो कैसे कैसे सुनकर फील करके अपने अराउंड लोगों को मार रहा है, एक्शन दिखा रहा है, वही सब है इसके अंदर। और एंड में इन्होंने दिखाया कि वो जो लड़की है वो बचा आ रही होती है इसके पास, ये फादर जो है ये बुड्ढा जो है एग्री कर जाते हैं, सबको मार देते हैं जब उसके बाद, कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ तो प्लीज़ यहाँ से चली जा, बट वो लड़की जो है वो अब चली जाती है कोई शेल्टर होम है, वहाँ जाके रहने लग जाती है। और एंड में दिखाते हैं कि जो इसका हाथ ऐसे दिखाते हैं, हो सकता है कि अगला पार्ट भी बना लें, तो वहाँ पर इन्होंने ऐसे करके छोड़ा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बहुत कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट, बट ये है कि हाँ 4DX में देखी थी तो अच्छा था, सीट वगैरह हिल रही थी। अब घर पे देखी है बारी बारी में तो ओके ओके ही लगी है, कुछ ज़्यादा ओके पिक्चर है, टिपिकल एक्शन मूवी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ओके।